अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाहौर के मैदान पे आया इंग्लैंड टीम का तूफान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सातवें और सीरीज़ के फाइनल T20 मैच में इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को 67 रन से हरा दिया। दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं इंग्लैंड टीम और पाकिस्तान के मैच का पूरा वीडियो, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से पारी का आगाज़ करने के लिए एलेक्स हैलिस और फिलिप शॉट मैदान में आए। एलेक्स हैलिस और फिलिप शॉट का बल्ला तो ना चल सका, लेकिन डेविड मलान और हैरी बरोक ने मार मार कर पाकिस्तानी बॉलरों के हुलिये बिगाड़ दिए। डेविड मलान ने 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 47 बॉलों का सामना करते हुए 78 रन बना डाले। हैरी बरोक ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 29 बॉलों पर 46 रन बोर्ड पर लगा डाले। दोस्तों, इंग्लैंड टीम 20 ओवर में 209 रन बना सकी। इतना बड़ा हदफ अबूर करने के लिए पाकिस्तानी कोई भी बैट्समैन विकेट पर ना खड़ा हो सका। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के पहले ही ओवर में आउट होते ही बाकी सारे प्लेयर विकेट्स पर ढेर हो गए। इतने बड़े टोटल को देखकर ही पाकिस्तानी प्लेयरों की सांसें फूल गईं। एक एक करके सब जाते रहे और इतनी शर्मनाक शिकस्त को खुशी से कबूल कर लिया। पाकिस्तान टीम मजमूआ 20 ओवर में 8 विकेट्स के नुकसान पर सिर्फ 142 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की इस नाकिस कारकर्दगी पर सबके बैटिंग लाइन पर सवाल उठ गए। दोस्तों, इंग्लैंड टीम के हाथों सीरीज़ के फाइनल मैच में इबरतनाक शिकस्त मिलने पर पाकिस्तानी प्लेयरों की जगह वर्ल्ड कप के लिए ख़तरे में पड़ गई। दोस्तों, क्या इस टीम के साथ पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए या चेंजेस करने चाहिए, कमेंट्स में लाजमी बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। शुक्रिया।